शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पूरे गांव में खबर भिजवा देंगे कि जवान झोपड़ी में आग लग गई है। साला 5 रुपए में दुनिया मांगता। आप तो इस मंदिर के धर्माधिकारी हैं। अब आप भगवान को नाराज कर रहे हैं। चुप साली। यहाँ भी धोखा दे दिए ना ठाक बाबू। जब जब सैया दरस दिखावे जब जब बाजू बंद खुले खुले जावे क्या आपने मुझे पहचाना? वही जिसे सदी नहीं समेट सकी, युग नहीं बांध सका। समय जितना पुराना हूं, नहीं शायद कालांतर से हूं मैं। मेरी शुरुआत, मेरा जन्म उसके साथ हुआ जिसकी रचना जल वायु अग्नि और आकाश ने मिलकर एक साथ की थी। हाँ, सृष्टि के साथ। मैं सत्य हूं और पेड़ की तरह तटस्थ हूं मैं। मानव जाति को देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं। तुम वही रागीर हो जिसे मैं सदियों से कहानियां सुनाता चला आ रहा हूं। आज तुम एक बार फिर मेरी छांव तले आराम कर रहे हो, तो आओ मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी चिंगारी की।
जय महाकाली। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली। महाराज, विधि के अनुसार ये ताजा शव 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का है। ये उम्र भर आभा, प्रभा, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, शांति आदि गुणों से परिपूर्ण रहा है। महाराज, एक कुंवारी कन्या निर्वस्त्र होकर इस अनुष्ठान को संपन्न करेगी, जिसे उसके माता पिता ने अपनी इच्छा से अर्पित किया है। कन्या को लाओ। डर मत बालिके, कोई भी शव, प्रेतात्मा, पिशाच तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, माता तुम्हारे साथ है। हम लोग माता की आराधना करेंगे। बोलो मेरे साथ, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। ये शव साधना एक असाधारण साधना है। इससे मनुष्य की आंतरिक शक्ति की परीक्षा होती है। प्राण के बिना शरीर शव है। इस साधना के द्वारा जगी हुई शरीर की शक्ति से सब काम पूरा हो जाता है। इसीलिए माता ने इस काम के लिए मुझ जैसे महापुरुष को चुना है। एक तरफ मैं इस शव के ऊपर बैठकर भय को परास्त करूंगा और दूसरी तरफ ये निर्वस्त्र लड़की मेरी चांग के ऊपर बैठकर मेरी वासना के ज्वाला को जगाएगी, जिस पर मैं नियंत्रण पाऊंगा। अरे बाप, देखते क्या हो रहा है, क्या कर रही है दोनों, घुमा क्यों रहा, रेल लगाए, अरे देख रहे, देख रहे दोनों, अरे घुमा के लगा, रेल लगा, बाल खींच रहे हो, अरे कारी, तुम लोगों को कितना समझाया है, गाली तो ढंग से दिया करो। साली कुत्ती, चिनाल, रंडी, आइसन बोल। हाँ ठीक है, रुक जा अभी। हाँ आ जा रे। हाँ दीदी। शुरू हो जा, शुरू हो जा रे। अरे बोल रे चिनाल, चिनाल। अरे ये बात, देख देख, अरे चढ़ जा, चढ़ जा रे, घुस जा उसके अंदर। लाल बत्ती की इज्जत का सवाल है, लग जा। अरे दीदी देखो देखो, दोनों एक ही ग्राहक।
दोनों बखेड़ा कर रही है, सारे ग्राहक भाग चाहिए और तुम क्या उसे लुचे उसे कपड़ी खिला रही है। कपड़ी चला भूल गई। ओ बसंती, अरे सुनोरी, अपनी नौटंकी बंद करो, ये ना। साली कुत्ती छिनाल, साली कुत्ती छिनाल, मार डली को पकड़ ले रही हो, मार पकड़ूंगा, ये तो चुटिया पकड़ के ले जाओ नौटंकी, दीदी हट जाओ यहाँ से, बाद में करेंगे ना, जा देख लूंगी। अरे जा नरी, मैं भी देख लूंगी तुझे। दीदी हम का करें, ये लोग हमारी बात ही नहीं सुनती हैं। हाँ तुम तो बड़ी भोली हो, चल बैठ इन पे, और तुम दोनों आओ इन पे, आओ। दीदी वो ना काय लड़ रही थी, हाँ? दीदी इमा हमार कोनो गलती ना है, वो तो चुड़ैल। चुप करो, बहुत खुजली लग रही ना दोनों का, पूरे गांव में खबर भिजवा देंगे कि जवान झुपड़ी में आग लग गई है। हाँ, आकर के पानी डाल देंगे, वो भी मुफ्त में। कहा हुआ था तुम बता सकती कला? बताओ दीदी, हम दोनों एक ही ग्राहक के पास बैठी थी। बताते हम आपको, काम हुआ तो हिस्सा आधा, मतलब एक रुपये में अठनी हुई ना, और एक छिनाल की जनी जवानी तुम्हारी मेरे हाथ में। अरे मेरी मेहरबानी मान की तुझे दे रही हूँ, सारी मेहनत तो मैं करूँ, तू वहाँ पे क्या कर रही थी, टांगे फैला के सो रही थी। साली काम की ना काज की, छिनाल दुश्मन अनाज की। हाँ ही के पास तो कोहलू है, तो हर पास मिले। हाँ दीदी लेकिन पैसा तो बस चलो, दबाओ दे इनसे। दीदी 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 लाओ रुपया दो, हम तय करेंगे किसे क्या मिलेगा। जाओ जाओ दोनों, जाओ जाओ। ये ले तोहार मेला खर्ची, मेहनत करे वो ऐस करो तुम। दीदी हमरी अच्छी दीदी। जाओ राजू। हाँ दीदी। कौन था वो ग्राहक? दीदी लल्लन, ऊ का वहाँ खड़ा खड़ा मस्ती आ रहा है। लल्लन पास में नहीं दमड़ी और चाहिए गोरी चमड़ी। एक लौंडिया के लिए पैसा नहीं है, दो पर हाथ फिरान चाहते। लल्लन लल्लन भैया जावा जावा। ए लल्लन, अरे तू क्या चीख रही हो, चल हट इनसे, जा इनसे। अरे क्या हुआ, इतना चीखोगी तो गला बैठ जाएगा, फिर तुमको भी लगाना पड़ेगा चूना। तुम जाए काहे ललन, मुंह बंद कर, हमार दीदी जो भी कहे सुन लेना, नहीं तो हम जाए। जाओ हमारी बात छोड़ो, ये बताओ कि अगर तुम बिजली को लेकर गए थे तो बाद गुलाबों को काहे ले, और अगर गुलाबों को भी ले गए थे तो फिर दो लड़कियों का पैसा काहे नहीं दे तो? इल बार भाई बा, अब एक का काम हुआ तो एक ही का ना दाम देंगे। बिजली में हमको मजे नहीं आया तो हम क्या करें? देखो हमें मत बनाओ, जहर का कोई जात नहीं होता और दारू का कोई ब्रांड नहीं होता। दारू चाहे सस्ती हो चाहे महंगी, नशा दोनों में होता है। अब अगर घटाघट घटाघट पियो तो चित्त होकर गिरियो ना, और अगर मजा से धीरे धीरे पियो तो शरीर लंबा रहेगा। ज्यादा बातें मत बनाओ, एक टिकट मत दो मजा उठा कर ऐसी जगह तुम्हें मरिए कि लाल बत्ती के लायक नहीं रह जाइयो। काहे तुम ही करियो, यही करनी दिखा, सुन रखे अपनी बातें, जाओ इनसे। जाए देव, नाराज काहे होती हो भाई, नाराज मत हो, देखो हमको पैसे की चिंता नहीं है, हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हमेशा प्रेम की चिंता रहती है। पैसा निकालो, इधर उधर मत देखो। देता हूँ देता हूँ, क्या पैसा पैसा जिंदगी भर। हम गिल्ली हैं, हटो। अरे अब तो खुश हो जाओ, हैं? कल मुहे ऐसा पहले कहा होता, जाओ इनसे। अरे जा रहे हैं। आ रही ले बलिया ही ले छप रही ले ला। इस रंगपुर गांव में एक ऐसा मेला लगता है जो काफी विचित्र, अद्भुत, रंगीन और रहस्यमय है। जादूगर, भविष्यवक्ता आदि सभी गरीब ग्राहकों को लुभाने के लिए मोह माया, सुख और भविष्य के सपने बेचते हैं, और वेश्याएं प्यार। यहाँ के दुर्बल ग्रामीण भविष्य वक्ता से अपनी भविष्य की सुखद बातें सुनकर या वैश्याओं की बाहों में काम वासना के शिखर पर पहुंचकर अपनी निर्धनता को भूल जाते हैं।
इस मेले में बर्तन, सब्जी, मछली, मुर्गी और वैश्याए, यानी जरूरत का हर सामान बिकता है। यहाँ कोई मनोरंजन करता है तो कोई उसका आनंद उठाता है। कौन है? कौन है भाई? जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। जी पर लेकिन देखिए, कुछ नहीं, मैं आज काम नहीं करता भाई। आप इस गांव में नए आए हैं क्या? अभी वो इसीलिए आपको इस गांव के नियम कानून का पता नहीं। आपको पता है ये डाकघर है? जानते हैं। जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि आज छुट्टी का दिन है, रविवार। जी जानते हैं, इसीलिए तो आए थे। खैर इसीलिए तो आए थे। अरे ठहरो ठहरो, सुनो जी, कहीं तुम नए डाकिए तो नहीं? वही तो, हम चंद्र मिश्रा हैं। अरे तुम पायलट हो? मैं नहीं। ठीक है भाई, इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं आप। अरे 35 साल, पिछले 35 साल से जिस दस्तक का मैं इंतजार कर रहा था वो दस्तक तुमने आके दी और मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका। हद हो गई। कोई बात नहीं। मतलब मैं ही हुआ चिंटू दर्जी। आप बहुत शुभ रस्तम निकले। वो तो हम हैं। मिश्रा, अरे जी क्या हुआ, चिट्ठी दे जल्दी।
लीजिए ना। ये लो। ये आज चिट्ठी बांटने का तुम्हारा पहला दिन है। हाँ जी। शुक्रिया। सुनो, इसमें नाम पते लिखे हैं। जी। सही आदमी को चिट्ठियां मिलनी चाहिए, ठीक है? आप फिक्र मत करिए। और हाँ, हाँ एक काम और, चिट्ठी बांटने के साथ साथ तुम्हें चिट्ठी पढ़कर सुनाना भी होगा। अच्छा। इस गाँव में बहुत अनपढ़ है ना बेटा। कोई बात नहीं, एक चिट्ठी पढ़ने का तुम 1 रुपया ले सकते हो। क्यों? जो तुम्हारा अपना पारिश्रमिक होगा। मंगल की सेवा सिर में देवा, हाथ जोड़ के द्वार खड़े, पान सुपारी भजा नारियल ले जा गाते भेंट करे, सुन जगदम्बा कर्ण विलंबा, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जयकारी कल्याण करे, बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरा कार्य सिद्ध करे, चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परे, जब जब भीर पड़ी भक्तन पर, तब तब आय सहाय करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जय काली कल्याण करे, बार बार कहीं सब जग मोहो, तरुणी रूप अनूप धरे, माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भार्या हो भोग करे, संतन सुखदाई सदा सहाय, संत खड़े जयकार करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जय काली कल्याण करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सहस्रपन लिए भेंट तेरे द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी माता सिर सोने का छत्र धरे, हुए शनिश्चर कुमकुम वर्णी जबलांगुर पर हुकुम करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जय काली कल्याण करे, गुप्त होई कर दानव मारे, चंड मुंड सब चूर करे, खड्ग त्रिशूल हाथ में लेकर रक्त बीज को भस्म करे, ए, पद्मावती ने खतरे की घंटी बजाई, चूहा दौड़ बिल्ली आई, अरे निकलो सालो, कसारी कसर आज ही निकाल दिया, चलो 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 जल्दी करो, अपने अपने दर्पण से निकलो, चलो चलो सारे के सारे। हाँ अरे जल्दी करो, का सारा पैसा आज ही वसूल लियो है, और तुम का कान में फुरेड़ी लगा कर बैठे इधर की, नीचे आओ। बसंती, ए बसंती, महाराज आ गए, जल्दी आओ। ए वहां खड़ी खड़ी शर्मा कह रही हो, सुहागरा ताजी बना लियो का, चलो नीचे आओ। टकटकी बांधकर निहारते रहते हैं, बड़े दिनों बाद आना हुआ महाराज। भूख के बिना भोग स्वादिष्ट नहीं लगता। आपकी मीठी मीठी बातें और लच्छेदार जलेबी में कौन फर्क नहीं, चबा चबा कर खाइए तो भूख भी रही है और अपच भी नहीं हुई है। बड़े दिन हो गए महाराज। द्रौपदी द्रौपदी, गलत किया द्रौपदी। आप हमार तुलना एक सती से कैसे कर सकते हैं महाराज, ये तो पाप है। पाप और पुण्य का खेल इस संसार में जो खेला जाता है उस पे सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है।
रंडियों का नहीं। अब आप भगवान को नाराज कर रहे हैं। चुप साली। गलती हो गई महाराज, फिर ना हो, गलती हो गई। क्या फर्क है तुझ में और उसमें? उसके 5 पति थे और तेरे अनगिनत। तेरा काम मुझसे बहस करना नहीं है, मेरी वासना को पूरा करना है, इसलिए जो कहता हूं वही कर। दुशासन तो एक बालक था, उसे चीर हरण करना नहीं आता था। चीर हरण तो ऐसे किया जाता है। दार लगा रहे हैं, काटना जो पड़ता है। हाथ संभाल के। तलब सब्जी। आज से तुम्हारे इलाके में एक नया इलाका जुड़ गया है। अच्छा, लालबत्ती लालबत्ती। विश्व का सबसे पहला और प्राचीन व्यापार वेश्यावृत्ति, जो कहीं भी कभी भी रोका नहीं जा सका जी। ये हर जगह सफल रहा है, फल फूल रहा है, रंगपुर में भी। इस इलाके को लाल बत्ती कहते हैं। खैर छोड़ो, ये लो, ये बड़ा वाला बंडल पूरे गांव के लिए है। बहुत अच्छे। और ये लाल बत्ती के लिए जी। ये गांव के लोगों से अलग कुछ अजीब तरह के लोग हैं, जिन्हें तुमने मेले में नाचते गाते देखा था ना। हाँ हाँ, याद है। ये बेमतलब मुस्कुराते भी नहीं, संभल के सिर्फ चिट्ठियां बांटना, कुछ और नहीं जी। कोशिश करना कि इनकी चिट्ठियां ना पढ़नी पड़े, बिना पढ़े काम चल जाए तो बेहतर है। हमें लगता है चिंटू जी, नरिंदा का दिल जरूर कहीं लाल बत्ती में खो गया। क्यों? अरे दिल की बात तो हम नहीं जानते हैं। दिल तो यहाँ होता है ना। अच्छा? लेकिन एक चीज जरूर खोया उन्होंने लाल बत्ती में, और वो है चुप बदमाश। अरे भले ही बड़े डाक बाबू ने ब्याह नहीं रचाया हो, लेकिन इतना जरूर है कुंवारे नहीं है वो। सुधर जाओ। अरे सब लाल बत्ती का देन है। अच्छा। अरे चले कहाँ, सबको माफ सुनते जाइए। चमेली ऐसे ऐसे मोटक मोटक के नखरे दिखा के लुभाती है अपने ग्राहकों को। अच्छा। लंबाई है 5 फीट 2 इंच, छाती 40, कमर 32 और कूल्हा 44, और वो बिजली मालूम है ऐसे चिपक जाती है। छाती 44, कमर 36 और कूल्हा 48। बहुत ही मोटी हो गई है, लेकिन तीखी मिर्ची है, खाए नहीं सूंघे लोग ससुआएं। और वो है ना जो रूपाली, बहुत ही नखरे वाली है, ऐसे ऐसे बालों को घुमाती है। और मालूम है कहाँ है उसका माप, लंबाई 5 फीट 2 इंच, कमर 32, कुला 38 और छाती उका है 36। माफ करिए हमें। और सबसे सुंदर रानी, परियों की रानी, बसंती महारानी, और चेहरा उकर मधुबाला जैसन, लंबी नरगिस जैसी और हेलन जैसी उका चाल,
और बदन उका लचके ऐसे 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 जैसे मंजुरा अंबुआ के डाल। पिया घिराई कारी बदरिया बरसे धीरा। अरे 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 ये क्या, आपने तो हमें गीला कर दिया। खैर कोई बात नहीं। अपने पिया चमेली रूपाली बिजली कहाँ है सब? हमार नाम है चमेली। ओ जलेबी बड़ी रसीली। अरे हम कचूसो हम कचाटो बस थोड़े से दाम में बाबू। अरे चाचा शुक्रिया। नदी है बाबू नदी। अच्छा अच्छा। और उसके साथ तो आपको कूदना भी पड़ेगा डूबना भी पड़ेगा। हमरे पास आओ बरखा है बरखा। कैसी बरखा? बस लेटे रहना। क्यों लेटे? बाकी काम हमरा। क्या मतलब? आपको भिगोएंगे भिगोएंगे आप हाथ मत लगाएंगे भी। अरे हम लाएंगे भी हम समझे ना। मन हल्का मन पवित्र हो जाएगा बाबू। नाराज हो गए कब ने रूपाली से? ओए बरखा हट। अरे क्या हुआ बरखा को मिलकर बिजली को भूल गए का? दिन हो या रात छोड़ो नदी बारिश की बात। दो मिनट में दो बरस का मजा चखा दूंगी। आओ मेरे साथ। अरे हम कमाल कर रही हैं। आप लोगों के नाम चिट्ठियां आई हैं। हम तो सिर्फ ओ बाबू एक म्यान में अगर तीन तलवार बारी बारी से जाए तो हो सकता है पर अगर एक तलवार तीन म्यान में तो भैया ना तो तलवार रही है ना ही धार रही है। फिर भी अगर चाहो तो इन तीनों को ले जाओ मजा मारो पर देखो एडवांस में पैसा दे दो। कितना झमेला हुआ था जा समझा जाके। देखिए आप समझ नहीं रही हैं। कैसे हो? अरे आप कमाल कर रही हैं। इन तीनों के नाम चिट्ठी आई है हम तो सिर्फ देने आए हैं। तो तुम्हें डाक बाबू ने भेजा। पिछली बार बड़ा परेशान किया था इन मक्खियों ने इसीलिए इस बार तुम आए हो। बूढ़ी बात और टूटी खाट अपने लोगन को ही परेशान कर रहे थे। तुम का हो? चंदन मिश्रा हमारा मतलब नहीं डाकिए अभी नए नए आए हैं हम यहाँ। नया नया जूता हो या कुत्ता काटता दोनों है। हम आपकी बात नहीं समझे। एक घर की रखवाली कर रहे थे और दूसरा टांगों की। देखिए हमें वो सब नहीं मालूम हम तो बस चिट्ठियां देने आए हैं और देखिए हम जा रहे हैं। देखो यहाँ की लड़कियां बड़ी अजीब है। लड़कियां नहीं है मक्खियां हैं। कोई भी गुड़ की ढेली देखती है तो चिपक जाती है दिख रहा है और अगर वो ग्राहक नहीं निकला तो उसको भड़वा बना देती अच्छा? है। ए गंदी बातें मत करो चलो बैठो छोड़ो से। का नाम है तुम्हारा बबुआ? भूल गई हाँ। ओ, याद आया का? चंदन। चंदन जी चलो वहाँ बैठो। नहीं नहीं हम ठीक हैं। अरे बाबू जी हम गंदे जरूर हैं लेकिन हमार जगह हर रोज धुलती है। जी आ दूध का धुला बैठ जा यहाँ धोया है हमने। लीजिए बैठ जाते हैं ऐसी क्या बात है? रे? ए डाक बाबू जी पहले बिजली की चिट्ठी पढ़ दो ना देखो ना बेचारी की क्या हालत हो गई है। जी हम पढ़े हाँ। नहीं अब समय नहीं है ना अब और भी बहुत सारी चिट्ठियां बांटनी है अब फिर कभी हाँ? अभी हम चलते हैं। ए हाँ? बैठ जा हम नंगे लोग हैं हाँ? और हमाम में कोई कपड़ा पहनकर आ जाए तो का होगा? का होगा कपड़े के चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? और उका बाद वो बाहर जाने के लायक नहीं बचता है इसलिए पढ़ 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 तनिक मेरी प्यारी दुलारी बिजली कैसी हो तुम? समझ सकता हूँ कैसी होगी तुम। घायल की गति घायल ही जाने हमारा हाल भी पूछो मत। बड़े घमंड से हम दोनों कहा करते थे ना कि मौज मनाओ मस्ती में आग लगे बस्ती में। उस सब दिन याद करके हमारा दिल बहुत मचलता है अंग अंग में सेरन सी होने लगती है और फिर जी करता है कि कहीं तोड़ फोड़ कर दू मगर जब भी तेरे दांत कटे दांत नाखून से खरोचे निशान देखता हूँ तो गाल पे हाथ रखकर सोचने लगता हूँ कि तू रात कब आएगी जब नागन के समान फुनकार फुनकार कर तू ढंग पे ढंग मारती जाएगी और तड़प तड़प। अरे बाबू थोड़ा जोर से पढ़ना रे। हाँ ये तूने लिखा है का है सर मारा है पढ़। नहीं नहीं हम क्यों शर्माएंगे हम बहुत बेशरम है। हाँ बस अब तो भगवान का ही भरोसा है। प्रार्थना करो कि घर में कोई बीमार पड़ जाए ताकि बहाना करके वहाँ आ जाऊँ और क्या लिखूँ तुम्हारे इंतजार में व्याकुल तुम्हारा मोहन प्यारे।
अरे बिजली वाह, तू कैसन नागन है रे, हा? जो तुझसे डसवाने के लिए अपने परिवार को बीमार करने की प्रार्थना कर रहा है। अरे उके काटने का तो इलाज भी है, पर ईके काटने का इलाज सिर्फ ये है कर सकती है। साला रंडे पने की बात करता है, रखा रखता है पर पैसे नहीं भेज सकता। वैश्या को पैसा चाहिए, तू कितना कमाता रे? पैसे की बात हुई कहाँ है? अच्छा चल कोई नहीं, तू चिट्ठी पढ़ दे, ई का पैसा हम देंगे। एक और चिट्ठी, हमें जाना था, बहुत देर हो गई है। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। बेटी चमेली, माँ का स्नेह भरा प्यार। क्या माँ? माँ का स्नेह भरा प्यार। कैसी है रे तू, अपना ध्यान ठीक से रखती है या नहीं? सेहत का ख्याल रखना, अपने पापड़ गृह उद्योग की मालकिन पद्मावती जी को सादर नमस्कार कहना, यहाँ सब अच्छे हैं। और तुम लोगों का पापड़ गृह उद्योग कैसा चल रहा है? उम्मीद है अच्छा ही चल रहा होगा, जहाँ तुम जैसी लड़कियाँ मेहनत जी जान से कर रही हो, उन्हें तरक्की से कौन रोक सकता है। अगर हो सके तो अगली बार पैसा थोड़ा बढ़ा के भेजना, क्या करें, भगवान ने जिसका जीवन बोझ बना दिया हो, वो अपनों पर तो बोझ बन ही जाते हैं। माफ करना, अपना ध्यान रखना, तुम्हारी माँ। घबरा मत माँ, अगली बार मैं जरूर ज्यादा पैसा भेजूंगी। इसके लिए चाहे मुझे खुद को और अधिक काहे न परोसना पड़े। अरे सुन रही, रोले रोले अच्छी तरह से रोले, जब तक रोना धोना सुख दुख है तब तक मानो जिंदा है, नहीं तो सांस तो चलेगी लेकिन एहसास मर जाएगा। भाई बाप, डैड, चल भाई बाप, चल महाराज के सामने, भाई बाप, चल, कुत्ता, बच्चा पैदा करेगा, साला कुत्ता, चूहों का बाप, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। साले, हैं? बाप बनने चला था, अब कब मर्दानगी घर छोड़कर आया है, जो महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहा है गीदड़ की तरह। उठो, बताओ परिचित हो मुझसे? जी महाराज। मैं पांचवी पीढ़ी का सबसे धर्म निरपेक्ष महापुरुष हूं, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है कि तूने संतान प्राप्ति के लिए माता के पास ना आकर मुसलमान फकीर के पास क्यों गया, ऊंट का मांस क्यों खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों जैसा नहीं हूं, विशुद्ध व्यवसायी हूं, मेरे लिए सबसे प्रथम मैं हूं, उसके बाद देवी अर्चना, पंचायत, समाज, रीति रिवाज। एकदम बिजनेसमैन। अब जो मैं तुझे दंड दूंगा वो इसलिए नहीं कि तू मुसलमान फकीर के पास क्यों गया, वो इसलिए कि तूने अपना मुख क्यों खोला। वाह, तो दया से भी दयालु निकले महाराज, आपके विचार बड़े महान हैं। हाँ हाँ महाराज, ये गांव का, ये पूरा इलाका में ऐसा कोई आदमी नहीं है हाँ। जिसका सोच हाँ, आपके विचार से मेल खाता हूँ महाराज। वाह महाराज वाह, जय हो जय हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़ा वैकुलता पिता बनने के लिए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। समस्या क्या थी? ये तो एक तुच्छ कार्य था, अपनी पत्नी को भेज देता मेरे पास। अरे तू अगर दो शिशु का जन्म दे सकता है तो मैं तो एक महापुरुष हूं, एक ही बारे में 10 शिशु जन्म ले लेते। अब ये कहते महाराज, ऊंट का मांस खाने की बजाय हमको अपनी पत्नी को आप ही के पास भेजना चाहिए था। चंडाल भूल तो तूने की है, परंतु तू मूर्ख भी है, मूर्ख, क्योंकि मेरे लिए अल्लाह का वरदान और माता का फरमान सब एक समान है। समझ गया महाराज।
असल दंड तो तुझे मैं अब दूंगा। जल्दी बताइए महाराज, दंड कौन सा है? बड़ी उत्सुकता से बैठे महाराज सुनने के लिए। जहां सत्य है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां धन है। इसलिए सुबोध, इस मास से अगले 2 साल तक अपने प्रति मास की पूरी कमाई मेरे चरणों में भेंट करें। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, महाराज खाने के लाले पड़ जाएंगे महाराज, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुन, अगला 2 बरस तक हफ्ता में 2 बार अपना पत्नी को महाराज के पास भेज देना। नहीं महाराज, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। रोना बंद कर, हमारे पास समय नहीं, इन दोनों में से एक दंड का स्वयं चयन कर। सुन, जुबान और मुजरे वाली में एक ही समानता है, वो कहीं भी अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं सकते। गांट पातले, भेद खुला तो तेरे भभूत को तेरा भूत भी नहीं बचा सकता। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली, जय महाकाली। पकड़ा गया। चोर कभी कानून से नहीं भाग सकता, उसे जेल में डाल दो। क्यों रे खंसू, मना किया था ना इनके साथ खेलने को, और तुम लोगों को भी मना किया था ना, अगर घर वालों को पता चला तो घर से बाहर निकलना और खेलना सब बंद हो जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और जाके खेलो। चलो चलो, लेकिन ही के साथ ना ही। ओले 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 ओले, इतना बड़े होके रोते हैं, हमारे साथ खेलोगी, हमारी दोस्त बनोगी? इतने बड़े होकर तुम रो रहे हो, चुप हो जाओ। तुम भी तो रो रही हो, तुम चुप हो जाओ। पहले तुम चुप हो जाओ। अच्छा, हो गया। आजा राजा, आना रे, आजा आजा आजा, आना रे। तू कितना बोला था रे? 20 लूंगी। कलाट? अरे 15। चल 10 में आती हूँ, लेकिन उससे नीचा नहीं लूंगी। अरे नहीं, तू क्या बोला था रे? तुम्हारे पास कितना है रे? हमारे पास ये देख, पूरे 5 रुपया है। धत तेरी की। नहीं तो फिर साला इतना भाव तोल करके क्या? चल आधे मिनट में। अरे आ रही हूँ रे, चल चलना। साला 5 रुपए में दुनिया मांगता है। ए बिजलिया, चिकने आनंद आजा, चला ना कहाँ? बहुत दिनों के बाद तू पहले नहीं देख। अरे चल रहे, चल की जगह लेगी तू लाल बस्ती में? तुझे खेल लगे है ये सब? कैसे देख रहा था तुझे? ची, खेलने का बड़ा शौक है ना तुझे? ले, तेरे माँ की खेल की कमाई है, ले खेली के साथ। अरे यार रंडिया, कितना देर लगाएगी रे? आ रही हूँ। तो का तो मालूम है हमार कोनो इज्जत नहीं, लेकिन अगर तू आज के बाद उस बच्ची की तरफ देखा
तो सबके सामने नंगा करके तो हर आंख नोच लूंगी। लेट जा, बसंती आ रही है। जाए यहां से अब। तितली चल रही, मत रो मत रो। चल तुझे कहानी सुना। कहानी सुनेगी? चल तुझे कहानी सुना। हाँ, आ जा रही, आ जा। तो का कहानी सुना। मजबूर ना ही हमार बच्ची तितली, ऊ तो ना कुछ मांगती है ना शिकायत करती है, ऊ तो सिर्फ प्यार करती है। हाँ, उका देखकर हम तुच्छ हो जाते हैं, ठान लेते हैं कि हम उका कमी को पूरा करेंगे, जतन करेंगे। तभी दूर पगडंडी पे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे याद आया, आज तो हाट है जहां लोग अपनी अधिकता को बेचकर कमी पूरी करते हैं। हम भी चल पड़े, पहुंचे। बेचने वालों की कतार में खड़े भी हो गए, साथ में चीखने भी लगे, आओ आओ ले जाओ मुस्कुराने का 5 रुपया, ठहकाने का 10 रुपया, हंसते हुए रोने का 20 रुपया। प्रेम बेचने आए हैं हम, प्रेम बेचने। दोपहर शाम में बदल गए, दाम कम किया पर कोई ग्राहक नहीं। उधार का भी न्योता दिया पर कोई ग्राहक नहीं आया। बहुत थक गए थे हम तितली, बहुत थक गए थे। सामान हाथ पर, कंधे पर, सर पर उठाया जाए तो उका बोझ सह सके, मगर दिल का बोझ वो तो संभाले ना संभले रहे। पर का करे, करना पड़ता है री,
संभालना पड़ता है। थक हार के हम चल दिए। ये सोचकर खुश थे कि अच्छा है, जब तक पहुंचेंगे हमारी तितली सो जाएगी। कब तक चली याद नहीं, समय का भेद मर सा गया था। फिर अचानक एक सरसराहट हुई और कोई झट से हमार गोद में आ बैठा। हम देखे तो ये हमार तितली थी, हमार तितली जो अपनी मुस्कुराहट से हमारा आंसू पोंछ रही थी। हम भी जोर से भींज लिए, आंसुओं का आशीर्वाद दिया और कहे, ना तितली ना, हम प्रेम ना ही बेचेंगे, किसी को ना ही बेचेंगे, ये सिर्फ तेरे लिए है मेरी बच्ची, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अरे ये तो सो गई, आ हमारी बच्ची सो गई, तो का सुलाऊं, बाकी जंगल को जो चला।
वेश्या होकर माता को छुआ, बाहर फेंक दो इसे। महाराज गलती हो गई, महाराज कहाँ ले जा रहे हो इनको? महाराज दीदी सुनिए, दीदी हमका बचा, ये गलत हो रहा है। गलती हो गई महाराज, ये ठीक नहीं हो रहा है। देवी माँ तो सबकी माँ है, उनके पास जाने से, उनकी पूजा करने से आप किसी को रोकिए मत। आप तो इस मंदिर के धर्माधिकारी हैं, किसी भक्त को भगवान से दूर करते आपको शोभा नहीं देता। हमारी शोभा हमारी परंपरा है और परंपरा रंगपुर का प्रतीक है। इस अधर्मी ने उसका उल्लंघन करके हमारे महोत्सव में विघ्न डाला है। अपमान क्या है हमारे अधिकार का? ये कोई आवरण नहीं जिसे बदला जाए, आत्मा है, युगों युगों से और युगों युगों तक विद्यमान रहेगा। इसलिए कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, धर्म को यहाँ लोग ग्रंथों के जरिए नहीं बल्कि आपकी बनाई परंपराओं के जरिए जानते हैं, जो कि असल में एक ढकोसला है। वरना समाज में आज समानता क्यों नहीं? एक तरफ तो आप औरत की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसकी इज्जत तक नहीं करते, जबकि देवी माँ भी एक औरत है और यही एक वैश्या भी। आप सब हमारी एक बात सुनिए, मत लीजिए किसी असहाय की हाय, आपकी हस्ती मिटा सकती है ये। चुप हो जा डाकिया। बसंती के साथ ऐसा वैश्याना व्यवहार और हम चुप हो जाएं? जो दिन के उजाले में भगवान बने बैठे हैं वो रात के अंधेरे में क्या क्या नहीं करते। क्रांति, क्रांति लाना चाहता है। मक्खन उबालने से आपका हाथ गिना जाएगा, दया करें भूल जाओ महाराज। महाराज महाराज दूर हट, समझा दे इस बेचारिणी को। कोई शहरी कोई डकिया अगर मेरे रास्ते से भी गुजराना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये काहे नहीं लड़की समझती हा? ये काहे नहीं समझती? धंधा तक बस, धंधा तक, उसके आगे कुछ नहीं। आज के बाद अगर तू उसे बात करने की भी कोशिश की ना तो मैं तेरी आंखें निकालकर हाथ काटकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, धंधा बंद कर दूंगा मैं। अरे ये काहे नहीं समझती? ए छिनाल, अरे छिनाल आ, आ हम उनकी शान के लिए नहीं आपके जीवन के लिए कह रहे हैं। पैरों पे गिर के सही, लेकिन भुवन पंडा से माफी जरूर मांग लीजिएगा। आप हमें सलाह मत दें, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए आप। अरे हमरी का मजाल जो आपको समझाने की कोशिश करें? पर एक बात है छोटे डाक बाबू,
फिल्मी दुनिया और रंगपुर में बहुत फर्क है। वहाँ तो आखिर में हीरो जीतता है और यहाँ हर हाल में जीत पंडो की होती है। भले ही रंगपुर इस दुनिया से अलग हो मगर भगवान की नजरों से ओझल नहीं है, इसलिए सही और गलत का फैसला चिंटू वो एक ना एक दिन जरूर करेंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, करने दीजिए ना फैसला, आपका है बीच में कूद रहे हैं। फैसला न्याय ये सब भगवान करते होंगे, हमको एतराज नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ देखते आ रहे हैं ना, यहाँ शादी हो या श्राद्ध हर बात पर एकाधिकार भुवन पंडा का ही है। चिंटू आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया, भुवन पंडा यहाँ का पुजारी है, इसलिए भगवान की पूजा करें, खुद भगवान बनने की कोशिश ना करें। भुवन पंडा से पंगा लेने का मतलब समझते हो? मुसीबत को न्योता देना। मतलब भुवन पंडा अपनी महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबको वहां बुलाता है, नचवाता है, गवाता है, उसके बाद आपको पूजा तक नहीं करने देता, आपको वहां से धक्के मार मार के बाहर निकाल देता है, और आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। चंदन बाबू, आपके कारण भुवन पंडा हमें नल से पानी ना पीने दे और पोखर में कपड़े ना धोने दे। इस गांव का कोई भी बनिया हमें अन्न का एक दाना नहीं देगा। हमें भूखे प्यासे मरने को मजबूर कर सकता है, हम लोग ये सब नहीं चाहते। आप इन सब चीजों का कारण मत बनिएगा डाक बाबू। राजू हमारी बात समझने की कोशिश करो। चंदन तुम एक भोले भाले जवान लड़का हो, काहे उस शैतान के रास्ते का कांटा बनना चाहते हो? जाओ जाकर के उससे माफी मांगो। माफी उस धर्मी से? आवेश में विवेक मत खो चंदन। कल रात इस लाल बत्ती के आंगन में भुवन पंडा ने बसंती की जो दुर्दशा की है वो हमने देखी है, खून का घूंट पी कर रह गई हम। ऊपर आओ और जिस काम के लिए आए हो संपन्न करो और यहां से प्रस्थान करो। महाराज हम अपनी औकात भूल बैठे थे कल, माफी चाहते हैं। इसमें उन वैश्यों की कोई गलती नहीं थी महाराज। वैश्या और देवी में आज के बाद कभी तुलना नहीं करना। लौ अगर बाती के अनुरूप ना चले, अहंकार में भवक उठे तो तत्काल बुझा दिया जाता है। बसंती को अभी एहसास होने लगता है कि तितली और चंदन एक दूसरे के काफी समीप आ गए हैं, उनमें काफी घनिष्ठता हो गई है। दिन में चंदन गांव में घूमते समय हमेशा उस प्रयत्न में रहता है कि कम से कम एक बार तितली से अवश्य मिले। तितली भी चंदन को देखकर इस प्रकार खुश होती है मानो वो उसी का इंतजार कर रही हो। उन दोनों की खुशियों के बीच उनकी उम्र का अंतर भी बाधा नहीं बन पाता, वह मासूम सा लगने लगा है। उसे यह एहसास हो गया है कि चंदन उन मर्दों से भिन्न है जो हमेशा उनके पास आते हैं। बसंती को चंदन की आंखों में हवस, उसके शरीर को पाने का लालच नहीं दिखता जो वो हर मर्द की आंखों में देखती आई है। अब वो चंदन के गुणों और व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध होने लगी है। कभी मजाक करत है, कभी डांटत है, तो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते है। आप भी क्या सोचते होंगे ना हमारे बारे में डाक बाबू? कभी जंगल, कभी गांव, तो कभी शहर। नदी कहाँ का नहीं बहती, तो क्या मानने वालों की नजरों में उसकी महिमा कम हो जाती है क्या? अभी देखो ये बहती हुई नदी की दिशा, ये आसमान में उड़ते हुए पंछियों की आजादी। अब ये सब देखकर पता नहीं क्यों लगता है जैसे जैसे हम घर आ गए। हम बताएं क्यों? क्योंकि तुम्हें इन सब में अपनी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आती हैं, इसके लिए। हाँ तुम ठीक कहते हो डाक बाबू, लेकिन हमको हमारे लिए कोनो इच्छा नहीं, इच्छा है तो तितली के लिए। ये बात जरूर है,
हम तितली को हम जैसी ना ही बनने देंगे। हम उनका भविष्य के लिए एक एक पैसा जोड़त रहे मालूम। उका दुख निगल जाऊं तो हमार जीवन सवर जाएगा। असल में बसंती, हम भी तुमसे ये बात करना चाह रहे थे। उसे यहाँ के माहौल से, यहाँ के लोगों से कहीं दूर भेज दो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार कोई तो होगा। कहाँ डाक बाबू, हम बहुत छोटी सी थी तब हमार माँ गुजर गई। हमार बापू वो ढाक बजाया करते थे गांव में, पर बेचारे वो भी क्या करते, बहुत गरीब थे और शराब की भी आदत थी, तो वो बेचारे हमको बेच दिए। फिर वो भी गुजर गए। उका बात कोई, अरे जाने दो ना डाक बाबू, आओ तुमको हम एक बात बताएं। तुमको पता है का, हम चाहते हैं तितली पढ़े लिखे, खेले कूदे, बिल्कुल तो हर तरह। अच्छा। उको सच्चा प्यार मिले, उकी शादी हो, अच्छा परिवार मिले। डाक बाबू, का हम तितली के लिए ये सब कर पाएंगे? जरूर कर पाओगे, और ये होगा, ये सब एक दिन जरूर होगा। बसंती, हमें माफ करना, हम अपनी औकात भूल बैठे तुम्हें छोकर। अरे छोटे डाक बाबू, क्या हुआ भाई? अरे काहे साइकिल पर तितली और बसंतिया के साथ सैर कर रहे थे? हमने आपको आवाज दिया, कान पर जू तक न रहेगा। वाह छोटे डाक बाबू, हमको चांटा और बसंतिया के साथ सैर सपाटा। देखिए चिंटू जी, आप शरारती बच्चे की तरह हमारी जिंदगी में ज्यादा ताक झाक करने की कोशिश मत करिए, बोले देते हैं। अरे डाक बाबू, ये झाकने वालों में से ना ही है। अच्छा, ये तो लोगों की खुशी में नाचने गाने वालों में से है। डाक बाबू, तो का नाचना गाना आता है का? क्यों, काहे? 5 मिनट पहले तो कह रहे हैं जो कहोगी करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नाच के गाएंगे थोड़ी ना। नहीं, ऐसे कैसे? डाक बाबू बोल ना। वैसे भी आप डाक बाबू का कलाकार ज्यादा लगते हो। अरे डाक बाबू चलो ना मेरे दोस्त, तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त ने बोल दिया। चलिए फिर, अगर ऐसी बात हो तो हम भी कंकर को हीरा और दीपक को सूरज दिखाई देते हैं। चलो आ जाओ। ये बात, पर हाँ, हम गाएंगे क्या? ओ चेताया था मैंने तुझे, नोच लूं तेरी आंखें, काट लूं तेरी जीभ। ये काम मैं एक चुटकी में कर सकता हूं। तेरी चीख कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उस वक्त तेरी कटी हुई जीभ मेरे हाथों में होगी। मुझसे क्या गलती होगी महाराज, मैंने क्या किया? बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है, बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है। तेरा काम है मर्दों के साथ बिस्तर पे चढ़ना। साइकिल पे चढ़ना नहीं। यहां मेरी मर्जी के खिलाफ धूल भी अपनी जगह नहीं बदलती। माफी दे दो महाराज, हमसे गलती हो गई, आपसे पूछे बगैर कभी ना करे, कभी ना करे महाराज, हमसे गलती हो गई, माफी, गलती हो गई, गलती हो गई। साली कुतिया, वो डकिया एक ऐसा इंसान है जिसने भुवन पंडा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, वो भी भरी सभा में, जिस पवित्र जगह से भगवान की तरह मैं अपना राज चलाता हूं। बड़ी सुसुरी हो रही है ना, बड़ी सुसुरी हो रही है, तो यहां नुचवा लाल बत्ती में अपने बिस्तर पे, हाँ, अपने बिस्तर पे। जी,
कितनी दुर्गंध आ रही तेरे शरीर से। भुवन पंडा के निरंतर चलते अत्याचार की दहशत बसंती की कोठरी से लेकर रंगपुर गांव तक गूंजती रही। इस तरह लाल बत्ती और समस्त गांव के लिए वो भगवान बना बैठा है। महाराज, ये लड़का और ये लड़की एक ही गोत्र के हैं। लड़का हमार गांव रंगपुर का है और ये लड़की मोहनपुर गांव की। आगे बोलो। महाराज, एक ही गोत्र के होने के नाते इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का होता है, किंतु इन दोनों ने आपस में विवाह करके निकट संबंधियों के साथ व्यभिचार करने का घिनौना पाप किया है, और उससे भी बड़ा पाप इस लड़की की कोख में पल रहा है। इस 20वीं सदी में हमारा विवाह खुलेआम मोहनपुर गांव में पूरे समाज के सामने हुआ है। अब मोहनपुर गांव में इतनी जागृति आ गई है कि उन्होंने ई विवाह को स्वीकार भी कर लिया, किंतु हमारा रंगपुर गांव कितना पिछड़ा हुआ है। महाराज, भूल तो इन लोगों ने की है और ई भूल का सुधार अब संभव ना हो। ई दोनों को कोई भी सजा देने से उसका बुरा असर तो वो निर्दोष बच्चे पर पड़ेगा जो ई लड़की की कोख में पल रहा है, जो कि गलत होगा। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली। जय काली जगदम्बे, जय काली, जय काली भुवनेश्वरी। सब अपने अपने घर जाओ। भुवन पंडा के डर के साए में रंगपुर और लालबत्ती फिर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, पर शायद विधि को यह मंजूर नहीं है। एक दिन बसंती के जीवन में कुछ अजीब घटना घटती है। उसके नाम का एक खत आता है। लाने वाला और कोई नहीं, डाक बाबू चंदन है। बसंती को बड़ा आश्चर्य होता है और वो चंदन से पूछती है कि शायद उसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि आज तक ना उसके नाम कभी कोई खत आया है ना आने की संभावना है। चंदन उसे समझाता है कि भले ही बसंती को पढ़ना लिखना नहीं आता, पर उसे आता है और वो अच्छी तरह पढ़ सकता है कि खत में बसंती का ही नाम और लाल बत्ती का ही पता है। बसंती खत लेती है और अविश्वास से उसे देखती है। इतने में सारी लड़कियां कहने लगती हैं कि वो उनकी सारी चिट्ठियों को बड़े रोमांच से सुनती आई है और आज उसकी बारी है। काफी जोर देने पर ना चाहते हुए भी बसंती चंदन को चिट्ठी पढ़ने के लिए दे देती है। आइए देखते हैं कि किसने भेजा है यह खत। लिखते हैं, हमने कांटों को भी दिल में जगा दी है। क्या लोग बेरहम हैं, फूलों को मसल देते हैं। क्या कह रहे हैं? फूलन को मसल देते और का? बसंती, तुम केवल फूली नहीं जिसमें रंग हो, सुगंध हो, सुंदरता हो, तुम हवा का सिर्फ झोंका भी नहीं जो सासों के साथ आता है और चला जाता है। तुम जीवन भी नहीं जिससे बिछड़ना तय हो। तुम क्या हो? क्या हो? निश्चित ही
अंजाम, दीवाने की आवाज, जिसे सुनते ही खुशबुओं में अंग अंग भरकर, हवाओं में तरंग भरकर आती हो, और मेरा विशालकाय प्रेम तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता है। काहे का प्रेम? बहुत बड़ा प्रेम, विशाल। हाँ, विशालकाय। अच्छा। लिखते हैं आगे। और थोड़ी देर बाद नजर आता है कि दूर खड़ी तुम्हारी परछाई मुझ पर हंस रही हो। प्रेम से नहीं बल्कि मुझ पर तंज कर रही हो। तंज? तंज का होता है? अरे कटाक्ष, काहे डांट रही हो? हमको नहीं मालूम। अब समझ गई? आगे पढ़ो भैया। तंज नहीं समझती लेकिन कटाक्ष समझ लेती है। खैर, तब हम तड़प उठते हैं तुम्हें पाने के लिए। दौड़ पड़ता हूँ तुम्हारे घर की तरफ। पांव छिलते हैं, कटते हैं, जख्म बनता है, फूटता है, रिसता है, थकान बढ़ती जाती है, जुनून सीमा लांघता है। ठिठकता हूँ, रुकता हूँ। तुम्हारे घर के पास पहुंचकर अचानक ये आवाज निकल पड़ती है। अरे, यह तो सिर्फ दीवार ही दीवार है, दरवाजे नहीं। शायद यहाँ से कोई आते जाते नहीं। डाक बाबू, ये कहाँ लिखा है? कहाँ? हाँ, यहाँ। यहाँ? आगे पढ़े? हाँ। मगर हम हाथों में हाथ डालकर, कदम से कदम मिलाकर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे बसंती, जिसकी मंजिल मोहब्बत होगी। मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। तुम्हारा ही गुमनाम आशिक। अरे बाप रे, ये चिट्ठी है या किसी शायर की शायरी? ए बसंती, ये तेरा कोई आशिक नहीं, कौन चोर है? किसी शायर की किताब से चोरी की गई है ये। ये इसकी असली भाषा नहीं हो सकत। हाँ। जा जा, जलने की बुआरी है तेरे से, हजार रुपाली। चुप करो। खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख करके। ये किसी शायर की शायरी नहीं है, ये तो हमें लगत है किसी पढ़े लिखे संवेदनशील आदमी ने लिखी है, जो हमार बसंती को आत्मा से चाहत है। आज तक लाल बत्ती के इतिहास में कभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई। बसंती का ये चिट्ठी पढ़ कर के तुम्हार शरीर के रोंगटा नहीं खड़े हो गए? सच बताएं दीदी, हमको तो लग रहा है कितना बड़ा बुद्धू आदमी है ये। क्यों? इसे कम पैसे में तो हमारे साथ सो सकता था। अरे अब ये देखो, इतना दिमाग लगाई के, इतना बड़ा बड़ा शब्द बोल बोल के का मिला उका? लेकिन कुछ भी बोलो डाक बाबू, हमार पहली चिट्ठी आई है। बसंती की पहली चिट्ठी आई है डाक बाबू। ही लो, जगह पे रख दो ना। इन्हें आप समझाइए ना, हमेशा हमारी टांग खींचते रहते हैं। चलो मैं, चलो छोड़ो। अरे बसंती की चिट्ठी आई है रे लल्ला। कब बात करता है लल्ला साला, तू भी जो है। अरे उब गया हूं तुम दोनों सालों से। अब तुम लोगों की बातों में ना कोई रस है ना उत्तेजना। ऐसा लगता है तुम दोनों कुत्तों को बदलकर अपनी सेवा के लिए दो मनोरंजक कुतिया ले आऊं। महाराज, आप तो महापुरुष हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन महाराज, नया 9 दिन पुराना 100 दिन महाराज। वो बसंती, आप तो जानते ना उसको। अरे वह रंडिया जिसको आप गलतियों के महाराज माफ कर दो महाराज, अब दोबारा नहीं होगा महाराज। तो हम बता रहे थे महाराज, वो बसंती जिसको आज तक जिंदगी में कोई चिट्ठी नहीं आई महाराज, पर अब तो उसका जीवन ही बदल गया है, कोई मिल गया उसे महाराज, तो प्रेम पत्र मिला है उसे। अच्छा, किसने भेजा है प्रेम पत्र? पता नहीं, सारा मौत की हिजड़ा।
बेनाहम चिट्ठी भेजा है। महाराज भगवान जाने खाली चिट्ठी भेजकर ओकरी कौन सी इच्छा की पूर्ति हो गई। वो तो सिर्फ बसंत जी को पता होगा। जब तक चिट्ठी है ठीक है, साला उस डाकिया से तो दूर रहेगी ना। मेरी ही बसंती, आशाओं को टूटते देखा खुद कर्जी के हाथों से, शीशे के बुत को ही यहां पत्थर का संसार मिला, चमकने की चाहत में हीरा ना जाने कितनी बार कटा, खामोश आंखें, कांपते होठ, कुछ कहने को लाचार मिले, तुम क्या हो अगर तुम मेरा ख्वाब, तो मैं उम्र भर आंखें ना खोलूं। जब ख्वाब की ये इज्जत है मेरे दिल में, तो सोचो हकीकत का मैं किस तरह स्वागत करूंगा। बसंती, तुम्हारा ही कितनी सर्दी कितनी
कितनी सर्दी कितनी गर्मी कितनी बरखा गुजर गई कितनी सर्दी कितनी गर्मी कितनी दीदी 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 उठो बहुत बुरा हुआ दीदी का हुआ बहुत बुरा हुआ का हुआ किसी कलमियों ने कोई बुरा बर्ताव किया का कस के पकड़ो का हुआ का हुआ का हुआ का हुआ का आप कह रही हो हमको हमको उससे प्यार हो गया दीदी किसे हम नहीं बता सकते बहुत डर लग रहा है देखो बसंती हम रंडियों को प्यार करने का कोई हक नहीं है प्यार वो शौक है जो हम लोगों के नसीब में नहीं है हम जानती हैं तुम्हारे दिमाग में ये हलचल उन प्रेम पत्रन के कारण हुई है पर वो तुम्हारा आसिक लेखक है ना वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा हमारी जवानी में ऐसे कई लेखक आए और कई गए पर का बवा हम तो वैसे कैसे कोरे रहे ना हम वो चिट्ठी वाले के बारे में बात नहीं कर रहे किसके बारे में बात कर रही हो डाक बाबू डाक बाबू वो हमारे सपने आए थे वो पता नहीं क्या बैठे बहुत डर लग रहा है दीदी बसंती देखो बसंती हमारी बात सुनो सपना सपना ही होते हैं और बसंती सपने कभी असलियत नहीं बन सकते हम लोगों के जीवन की सच्चाई बड़ी कटु है सपने कोई पूरे नहीं करता डाक बाबू सिर्फ दूसरन के जज्बातन का इजहार करत वो उनकी अपनी भावनाएं नहीं अरे लेखक और अदाकारा में बड़ा फर्क है ये डाक बाबू की शब्द नहीं डाक बाबू दूसरे के प्रेम पत्र को लात है तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं पर तुम्हारे प्रेमी नहीं है बसंती मगर हम उनका नहीं भूल सकते दीदी हम उनका नहीं भूल सकते अब हम क्या करें हम क्या करें तुम एक काम करो अपना जी हल्का करवे के लेन अपने मन की तड़प को मिटान के लेन एक काम करो उसे पटाओ और उसके साथ जाकर के सो जाओ जी दीदी जी ये आप क्या बोल रही हैं वो और मर्दों की तरह नहीं है दीदी उका तो हम छू भी नहीं सकते वो छोटा है कुंवारा है हम उनकी मासूमियत को कलंकित नहीं कर सकते दीदी जी तो फिर क्या करियो क्या करे आजा बाबू देख बसंती बिक रही है आजा राजा आजा और क्या करेंगे दीदी वही जो आता है हम चलते ए बसंती यह ना तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना आओ हम तुम्हें अपने बचपन की एक लोरी सुनाएं जो हमारे अम्मा हमें गा के सुलाया करती थी थोड़ी देर आओ हमारे कन्या में आकर के लेट जाओ आओ जी हल्का हो जाएगा नींदिया ही नींदिया आँखों में निंदिया ही निंदिया आँखों में सो जा राजकुमारी सो जा तुझे आएंगे सपने हजार सो जा राजकुमारी सो जा सच से बढ़िया
सपना होता। ये ले डाक बाबू, चिट्ठी पढ़ने के पैसे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं चाहिए, रखिए। पर बात तो बताइए, आज बात क्या है? बसंती नहीं दिख रही। आपकी नजर हमेशा बसंती को कहाँ ढूंढती है? आप हमका कुछ कम है डाक बाबू। किसी की बात नहीं है। तोहरा खातिर हम कब से सच संवर के बैठे हैं। हम जानते हैं। अब हमार प्रेम पत्र खोल के अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना दिल खोल के रख देंगे। अरे समझ क्यों नहीं रहे? कारी गुलाबू, तू खुलवाती किसी और से है और लगवाती किसी और से। देखिए आप लोग अगर ये खोलने खुलवाने की बातें करेंगे तो आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे, बोल देते हैं, हम जा रहे हैं। क्यों लड़कियों, और ऐसे अपवित्र बातें क्यों कर रही हो? हटो, आइए बैठ जाओ। आओ दीदी। इनका नाम है चंदन। का नाम है चंदन। इसे माथे पर लगाते, बिस्तर पर नहीं सुलाते। चाय वाय को पूछो कि नहीं? राजू। हाँ दीदी। जरा चाय तो ला भैया। अभी लाया। ये लीजिए डाक बाबू। आ भी गई। अरे पहले ठहरो। आज हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वो क्यों? पहले अपने नीके नीके हाथन से हमें जरा पान तो खिला दो। ये लीजिए। क्या बात है। आज हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वो क्यों? आज ही के दिन वो पहली बार हमारे यहाँ आए थे। वो, आधा पान अपने दांतन में गड़ा के, क्या बात, आधा है? हमसे काटने के लिए कहा। पहले तो हम सकुचाए, शर्माए, फिर बड़ी हिम्मत करके हमने भी अपने दांत गड़ा दिए। होठ से जब होठ टकराए तुम्हार कसम, हमार गाल इबान की पीक से भी ज्यादा लाल हो गए। दीदी आपकी बातें सुनकर आप ही के गालों की तरह हमारे कान भी लाल हो रहे हैं। जरा चाय तो दे दो। अरे हाँ। चाय। इतनी शर्म का है डाक बाबू। अरे अरे पोछ दो, पोछ दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक ही वर्दी है, इस पे भी दाग लग गया लगता है, अब छूटेगा नहीं। अरे घबराओ मत चंदन बाबू, कपड़न पर लगा दाग तो झागो साबुन से मिट जाते हैं, पर जवानी पर लगा दाग जिंदगी भर नहीं छूटे थे। अब हम चलते हैं। अरे बबुआ नाराज हो गए का? पूरी कहानी तो सुनते जाओ। अरे जाओ, ये तो जवानी के अंगार हैं, बीच बीच में सुलग जाते हैं। ये पर घी ना डारो। ई चंदन बाबू, आप ही कहिए ना दीदी को। अच्छा चलिए दीदी, सारी लड़कियां बोल रही हैं, चलिए हम भी नहीं जाएंगे, सुनाइए आगे क्या हुआ। सुनाओ ना। अब का सुनाए। अच्छा जब उनने ये बोली हमसे तो हमने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और कूदी और कहा गाना गाओ। जन मोरी जंगल में क्या बात डाल है? गयो रे। जन मोरी जंगल में डाल गयो रे। सखी गोरे गोरे गाल, हे सखी गोरे गोरे गाल, ये पोडर मेरे राजा ने मंगाए दयो रे। जानो मोरी जंगल में डाल गयो रे। सखी लाल लाल होट, हे सखी लाल लाल होट, ये पान मेरे राजा ने मंगाए दयो रे। जानो मोरी जंगल में डाल गयो रे। सखी काली काली आंखें, हो सखी काली काली आंखें, ये काजल मेरे हाय, ये काजल मेरे राजा ने मांगा है गए और जान मोरी जंगल में डाल गए और जान। आगे कहा तो भूल गई। महाराज कलम लाल बत्ती गए हुए थे, वहां तो हंगामा मचा हुआ है, खुशियों का फव्वारा छूट रहा है वहां पर। कल वाले पत्र में तो उसने लिखा है कि रविवार को आके बिया रचाएगा, वो भी काली माँ के मंदिर के भीतर सबके सामने। महाराज महाराज वो आपके सामने आके बसंती के मांग में सिंदूर भरेगा और वो रंडी को अपना पत्नी बनाएगा, और तोर महाराज वो तो की बच्चे को भी अपनाने को तैयार है। मानना पड़ेगा महाराज, जो भी है वो आशिक
बहुत दम है उसमें, बहुत दम। शब्दों से कर्म की सिद्धि नहीं होती। भुवन पंडा गर्दन कटवाना पसंद करता है मगर नाक कटवाना असंभव। कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी ही बसंती सिंदूर, वो भी केवल चुटकी भर, जिसे मन नहीं माप सका, नजर नहीं समेट सकी। गर्व जहां अदना है, गुरूर जहां उचित है, जिसके माथे पर सजा हो सिंदूर, वो भी केवल चुटकी भर। जिसके माथे पर सजा हो, उसके अंग अंग से खुशियां फूट पड़ती हैं, बिना सुर संगीत के ही संगीत गूंजने लगता है। कद इतना ऊंचा कि आसमान के चांद को उंगलियां छूने लगती हैं। हाँ बसंती, जिसके माथे पर सजा हो सिंदूर, वो भी केवल चुटकी भर। बसंती, 2 दिन बाद मंदिर में सबके सामने तुम्हारे माथे पर यही सिंदूर लगाकर विवाहिता का चर्चा दूंगा और तितली को पिता की सरपरस्ती। मैं आ रहा हूं बसंती तुम्हें अपना नाम देने, तुम्हारा ही गुमनाम आशिक। लेकिन डाक बाबू, डाक बाबू, आज सुबह मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलवाया है कि इस गांव के ऊपर एक भयानक विपत्ति आने वाली है, एक ऐसी स्थिति आने वाली है जो हमारे गांव की सभ्यता को भ्रष्ट कर देगी। क्या हुआ महाराज, ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है? लाल बत्ती, लाल बत्ती की एक वेश्या शादी करने जा रही है, वो भी मंदिर में। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा गजब बात है महाराज। किसके साथ, कौन है वो? जो भी है वो, ये शादी नहीं हो सकती। इस शादी पे रोक लगानी होगी। पंचायत, बुजुर्गों, गांव वालों को मेरा साथ देना होगा। अच्छा, का है? का है उस बेशिया का ब्याह वर्जित है और उसका असर हम गांव वालों पर कैसे पड़ेगा? जय काली। हाँ महाराज, मुखिया जी सही तो कह रहे हैं, उका ब्याह कर लेने दीजिए ना, उका ब्याह का ई गांव की समस्या से का लेना देना। दुनिया बनाने वाले ने स्त्रियों को 3 रूप दिए हैं, एक देवी का, दूसरा वंश बढ़ाने के लिए पत्नी का, और तीसरा वासना पूर्ति के लिए वेश्या का। हर किसी का अपना अपना स्थान है। किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल? अब मुखिया, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं। मैं इस मंदिर का धर्माधिकारी हूं, पूरे गांव का रखवाला हूं। अगर आज मैंने उस गुप्त प्रेमी को एक वेश्या से शादी करने की सहमति दे दी, तो कल हर कोई कुंवारा या विवाहित एक घृणित नारी को अपना बनाकर इस समाज की पवित्रता को तोड़ेगा, और इसकी सहमति मैं कभी नहीं दूंगा कि हमारे परिवारों में एक वेश्या मां या पत्नी का स्थान ले ले। इसका अंत बहुत भयानक होगा। हे भगवान, महाराज के ई तेवर का असली बात अब समझ में आया। उस गुमनाम आशिक ने महाराज का जो इस गांव पर अधिकार है और जो उसका अहंकार है, उसकी नींव हिला दी है। और कारण कौन है बसंती, जो दोनों को चाहिए? किसी भी स्त्री को वेश्या होकर जन्म लेना भगवान का श्राप है, उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अब तुम लोग ध्यान से सुनो, कल रात माता मेरे सपने में आई और उन्होंने कहा अगर रंगपुर गांव की किसी भी वेश्या ने शादी की तो इस गांव पर घोर विपत्ति आएगी, सूखा, महामारी फैलेगी, इसलिए तुम लोग मेरा साथ दो।
किसी भी तरह हमारे शिष्यों से मिलकर उस गुप्त प्रेमी को ढूंढो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बोलो तुम लोग मेरा साथ दोगे? प्राचार्य शिक्षित का वाले इस पांडा ने तो उन्हें बुरी तरह डरा रखा है। सदियों से इस पांडा जैसे पंडितों ने इन लोगों के दिमाग पे अंधविश्वास का जाल बिछा रखा है और आज उनकी उसी बात का फायदा उठाते हुए वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और ये लाचार गांव वाले उसकी हर बात को भगवान का आदेश मानकर स्वीकार कर लेते हैं। मिश्रा, यहां एक शब्द बोले बिना चुपचाप यहां से निकल जाओ, समझे? जाओ। बसंती, 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 इतनी रात गए तुम कहां जा रही हो? डाकघर डाक बाबू से मिलने। डाक बाबू से मिलने? अब तुम्हारा ब्याह होने वाला है, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? हमें नहीं मालूम दीदी, हमें नहीं मालूम हम क्या कर रही हैं। लेकिन हमें एक बार डाक बाबू से मिलकर उनसे ये कहना बहुत जरूरी है कि हम जो ये ब्याह कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं, तितली के लिए कर रहे हैं, उका भविष्य के लिए, उका जिंदगी के लिए। मगर प्रेम तो हम डाक बाबू से ही करते हैं ना। आज ये सच, ये प्रेम हमको जता लेने दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें जाने दीजिए। देखो बसंती, तुम हमें माँ कहती हो ना, आज वही माँ तुम्हारे पाँव पड़ रही है। मत जाओ बसंती, अगर भुवन पंडा को मालूम पड़ जाएगा तो तुम्हारी गर्दन काट देगा। दीदी, इस लाल बत्ती में घासले फेंक देगा। दीदी, उस नीच आदमी का नाम हमारे सामने मत लो। बसंती जिंदा कर लो। अगर आज हम नहीं गए दीदी तो जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि हमने उनसे क्यों नहीं कहा। एक बार बस, एक बार कह लेने दीजिए, फिर हम जाए दीदी, हम जाए दीदी। जाओ, संभाल के जाना, जाओ। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, ना डाक बाबू, रोशनी में मत आइएगा, हमारी हिम्मत टूट जाएगी। तुम चिट्ठी बहुत अच्छी पढ़त हो डाक बाबू, इतनी अच्छी कि हम ये भूल गए थे कि वो चिट्ठियां तोहार लिखी ना ही थी। शब्द कोनो और के थे, लेकिन उनके मायने तो हम तो उसे ही समझे थे ना डाक बाबू। हम ये ब्याह तितली के लिए कर रहे, उसकी आजादी के लिए, लेकिन उससे पहले हम एक सच बोलने आए हैं। अपने लिए बहुत साहस लेकर आना पड़ा है डाक बाबू, इसलिए हम पर गुस्सा मत होइएगा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है डाक बाबू, बहुत कुछ। अब जब से हमारे जीवन में आए, हमें लगा जैसे हमारी इच्छा फिर से जीवित उठी, हंसने की इच्छा,
गहने सुनने की इच्छा, जीने की इच्छा, प्यार की इच्छा, बस इसी में जाने अनजाने हमसे भूल हो गई डाक बाबू। एक ऐसी भूल जो हमारे जीवन का सबसे सुंदर सच है, लेकिन वो सच तो उसे कहे बिना हम अकेले ढो ना पाएंगे। डाक बाबू, हमें तो उसे प्रेम है, बहुत प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जिसने हमें लाल पत्ती में रहकर भी आजाद कर दिया, ऐसा प्रेम जो हमारे मन तन आत्मा को खुद में नहाकर पवित्र कर दिया है। अरे इस प्रेम ने तो बेशरम बसंती को शर्माना सिखा दिया है। बहुत शक्ति है इस प्रेम में डाक बाबू, बहुत शक्ति है। देखो इसने एक वैश्या को, बसंती को सिर्फ तितली की मां बना दिया है। आज वही तितली के सबसे प्यारे दोस्त से आज्ञा मांगने आई है और ये पूछने आई है डाक बाबू कि कभी कहीं एक पल के लिए ही सही, क्या तुहार दिल में भी हमारे लिए कोनो जगह था। अरे ना ही कह दो ना डाक बाबू, मगर बसंती को इस बोझ के साथ विदा मत करो। हाँ कुछ तो कहो डाक। पंचायत होके पूरे दो दिन हो गए, भुवन पंडा के डर से अब लाल बत्ती में कौनो आने को तैयार नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है दीदी, ये सन्नाटा काटने को दौड़ता है। बसंती पागलपन छोड़ो, अपना फैसला बदल लो। अरे तोहार उधार के लिए कौनो नहीं आने वाला, वो प्रेम पत्र में कौनो सच्चाई नहीं है, और अगर सच्चाई होती तो भुवन पंडा के ऐलान के बाद कोई यहाँ आने की हिम्मत करेगा नहीं ना। बेकार के सपना मत ले ओ। अरे अपनी किस्मत में तो बस ये लाल बत्ती है, यही जीना यही मरना, यही अपनी असलियत है। फालतू की बातें मत सोच, सब कुछ ठीक चल रहा था, चैन की नींद, दो भगत की रोटी रोजी, सिर्फ अपने बारे में सोचना बसंती स्वार्थ है। जरा इन लोगों के चेहरे देखो कैसे लटक गए। अब पूरी इस लाल बत्ती में मुर्दनी सी छाई गई है, कहीं अच्छी बात है। फैसला बदल दो, ये आप कह रही हैं दीदी, आप जिनकी हम इतनी इज्जत करें, वो जो हमारी एक ऐसी माँ है जिसने हमें कोक से ना सही दिल से जना है। बहुत दुख हो रहा है दीदी आपकी ये बात सुनकर, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। कहा छुपा है आपसे दीदी, हमारा जन्म, हमारे लाल बत्ती में एक कमरा, तितली का हमार कोक में आना, कौन सा फैसला हमारा था दीदी, कोई भी तो नहीं। और आज आप चाहती हम तितली की आजादी भी किस्मत पे छोड़ दें, कुछ ना करें, जानबूझकर अपनी तितली को बसंती की जगह दे दें। ये कैसा फैसला है दीदी, ये हमसे ना होगा, ये हमसे ना होगा। आप जो माँ होकर हमारे लिए ना ही कर सके, वो शायद आपकी मजबूरी थी।
लेकिन आज अगर वो मजबूरी हम तितली पे थोप दे तो वो हमार कमजोरी होगी ना दीदी। ये फैसला आप ना बदलेगा और आप माँ दुर्गा की भक्त होकर हमसे कमजोरी की बात करती। ये फैसला हमारे लिए नहीं है दीदी, ये फैसला तितली के लिए है। हम अपने बारे में ना ही सोच रहे हैं दीदी। और आप देखना, आप ही की दुर्गा माँ हमको शक्ति देगी कि हमारा बढ़ाया हुआ कदम फिर पीछे ना हटे। चुप करो बाराजी, से पता नहीं क्या कह रहे हैं, कोई ने इस पर जादू टोना कर दिया। बाराज माफ करो, माफ करो बाराज, बाराज जीवनदार बाराज, बच्चा महाराज माफ कर दो, माफ कर दो। तू साली रंडी की रंडी रह गई, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है। सॉरी, घसीटता हुआ गांव के बाहर फेंक दूंगा, हुक्का पानी बंद कर दूंगा तेरा। तितली ना, बड़ी तितली तितली कर रही है। अबे साली, तेरी तितली भी तो तेरी तरह रंगी। हार गंदी जुबान पे मेरी तितली का नाम मतला मतला, तू क्या समझा थे रे? हमका कोई समझ नहीं? हाँ, धर्म के नाम पे सबको लूटत है, बुद्धू बनाता सबको। दिन में पूजा, रात में कुछ दूजा। अरे काली माँ की भक्ति करे है तू? घंटी बजा के, शंख बजा के बड़ा बड़ा श्लोक बोलता है रे तू, और रात में एक माँ के पेट पर लात मार के उसके दर्द में, उसकी चीख में अपनी महापुरुषता ढूंढे है तू। दोगी बसंती, अरे बस कर, बोल लेने दे मुझे, आज हट जाए। तू क्या बोला था रे मुझे, क्या बोला था रे मुझे? छिनाल रंडी, हाँ, लेकिन तू जाके बोल अपने माँ बहन को कि रात रात भर कैसे इस रंडी के तलवे चाटता है तू। हाँ, तुम्हारा शरीर जरूर छीना है, हमें मारा है, पीटा है, नोचा, लेकिन पापी आज भी हमारा आत्मा सिर्फ हमार है, सिर्फ हम। रुका तू जैसा महापुरुष छू तक ना सका रे, छू तक ना सका। चला जा यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे डर ना लगे है मुझे अब, बिल्कुल डर ना लगे है। तुझे जो करना है जाके कर, लेकिन याद रखना, तेरी इस जुबान पर अगर मेरी तितली का नाम फिर से आया तो मैं इसका काट लूंगी इसको। कब बाद पूरी दुनिया में तेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, इस वक्त तेरी ये जीभ मेरे हाथ में होगी। के बिस्तर में भी तेरे लिए जगह नहीं, चला जा। और सुन ले, लाल बत्ती हमार घर है, तू का रोकेगा हमें मंदिर में घुसने से रे? लाल बत्ती में तेरे जैसे नीच आदमी का आना मना है। ए दीदी, फाटक बंद कर दे रे, चला जा यहां से। तू डरा के मारता है, हाँ? मेरी तितली का नाम लेता है तू, तितली का नाम लेता है। बहुत हो गया, डरा के मारते हैं।
पल्लवी रवि प्रतीक्षण मेरे भगवान तू ही बता क्यों धरती पे मुझे जन्म दिया, क्यों सांसों में तूने सरगन दिया, क्यों सीने में तूने धड़कन दिया, जब सबका लक्ष्य केवल है अंत तो फिर क्यों तूने जीवन दान दिया। मेरे भगवान तू ही बता क्यों धरती पे तूने जन्म दिया, जब तेरी लिखावट ही है पत्थर की लकीर तो फिर क्यों कर्म का भ्रम दिया। तूने हर वस्तु को अपने हाथों रचा इस सृष्टि को, तो फिर क्यों किसी में सुगंध तो किसी में दुर्गंध दिया। अरे जब सुन ही नहीं पाता है तू तो फिर क्यों इन कंठों में तूने स्वर दिया। मेरे भगवान तू ही बता क्यों क्यों। छोटे डाक बाबू बवाल बात है। क्यों क्या हो गया? हुआ नहीं होने वाला है। हमने उस लल्लन को नशे में कहते सुना कि भुवन पंडा आज रात बसंती को मार डालेगा और पूरे गांव को आग से जलाकर राख कर देगा। उसे रोकिए, भुवन पंडा बहुत ही हरामी किस्म का आदमी है। छोटे डाक बाबू रात जब आप हम दुखियारों के लिए लड़े थे ना, आपने आवाज उठाई थी, तभी हमको लगा था कि आप आग भले ही ना सही लेकिन चिंगारी जरूर है जो एक बगावत को भड़का सकती है। कुछ करिए छोटे डाक बाबू, कुछ करिए। हमें नहीं लगता कि तो हर प्रेमी अब आएगा। उसका प्रेम सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित है। जाओ अपना सिंगार विंगार उतार दो। हम लोगों के जीवन की सच्चाई बड़ी कटु है। जिस माथे पर एक बार कलंक लग जाता है वहां मांग का टीका शोभा नहीं देता। धोखेबाज साला हमारे बच्चे के साथ खिलवाड़ कर गया। शब्दन के जाल में फंसा दिया साले ने। गलती उका नहीं दीदी, जो हम धरती दिखाते हैं गलती तो उका है जो अपनी औकात भूल जाता है। हम अपनी औकात भूल गए थे दीदी, भूल गए थे कि एक लाश पर लोग रो सकते हैं। उका अपने घर में कोई जगह नहीं देता। समझ गए बात, ये बात अब हम समझ गए, हमसे फिर ये गलती कभी ना हो। तू का टुकुर टुकुर देख रही है? हाँ का देख रही है, का देख रही है? सर थक के कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी तू, कहाँ जा रही थी? अरे गांठ बांध ले इस बात को, तू हमार तरह यहीं पर रंडी बनेगी, रंडी। सच सच के लाली पोत कर कहाँ जा रही थी? सपने देखने का इतना ही शौक है तो जा ढूंढ ले कोई दूसरी माँ। कारे शादी करेगी साली। चली जा यहां से, चली जा, छोड़ देगा, चली जा। अरे हट, चली जा यहां से, चली जा, चली जा यहां से, यहां से चली जा। सजा दजा के नंगा करते तुरे जी जी हट ना रे, हट
बसंती अब टूट चुकी है और जैसा वो हमेशा कहा करती थी वो वही करेगी जो उसे आता है और अपनी पुरानी जिंदगी में ढलने की कोशिश करने लगती है, वही वैश्या की जिंदगी। बसंती, अरे ओ बसंती, बसंती, अरे क्या हुआ, आ रही हूँ। क्या हुआ? देखो तो डाकघर से कौन आए। बड़े डाक बाबू, आप इस वैश्या से क्या काम आन पड़ा आपको? हमारे नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या? और वो दूसरे डाक बाबू, वो ना ही आए, काम छोड़ के चले गए क्या? अरे का रे, वो कहीं नहीं गया। हाँ, दरअसल यही बताने मैं यहाँ आया हूँ। उस रात जब चंदन उस मेले से निकला, ए भुवन पांडा, कौन से भगवान ने ये कहाँ लिखा है कि एक औरत को देवी पत्नी एक वैश्य ही बनकर जीना होगा? ये सब तुम ढोंगियों की बातें हैं। अरे तुझ जैसे लोग ही गरीबों को, अशिक्षितों को अपने काबू में रखने के लिए धर्म को साधन बना रहे हैं। अरे धर्म तो प्रेम है रे, अधिकार है, सही जीवन जीने का रास्ता है ये, और तेरे लिए धर्म जहर है, नफरत फैलाती है, हथियार है जो लोगों को लाचार बनाती है, बारूद जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहती है। साधु नहीं, शैतान है तू। महापुरुष नहीं, अरे का पुरुष है तू। आप बाहर आ, तुझे दिखाऊं कि चाहे अन्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर इंसानियत की एक गलती से होकर कैसे उसकी धरती उड़ा देती है। ए भैरुपिये, ए दुरिंदे, मैं सत्य हूं, सत्य जो हमेशा से दृढ़ है, अटल है, चाहे कुछ हो जाए पर सत्य अमर है। बेटा बसंती, बसंती तुम आ गई, छोड़ना मत, हमें छोड़ना मत। निशा, नरेंद्र बेटा, मास्टर आगे खोल बेटा, आगे खोल बेटा।
ब्याह का समय हो गया बसंती। हमने पूरी तैयारी कर ली है। चंदन ही तुम्हारा वो गुमनाम आशिक था जो तुम्हें प्रेम पत्र लिखता था। बेटी, क्या मैं तुम्हें और अपने नातिन को यहां से बहुत दूर ले जाने आया हूं। चल बेटी, बमाल अपनी अमानत। जाए हो वो भी ऐसे यहां भी धोखा दे दिए ना ठाक बाबू, अपना प्यार बताए भी दिए, दिखाए भी दिए, जताए भी दिए, और हम तो कह भी ना सके ठाक बाबू, हम तो कह भी ना सके। जाओ, हम ऐसे हर चाय से पिया ना करें। गुस्सा हो गए का तत, हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो कब से तैयार हैं डाक बाबू, कब से तैयार। बसंती तो हार है डाक बाबू, बना लो आज मुझे तुम।
मालिका भूषित अंग जय काली मधु मध्य तरंग हर हृदयारविंद सुविलासिनी जय जगदम्ब सकल सुखनाशिनी।
ये शव यात्रा भुवन पंडा की है, वही पालकी, और उस पालकी पर उसका मृत देह उसी प्रकार रखा गया है जिस प्रकार वो जीवन भर उस पे सवार होता रहा है। भुवन पंडा जैसे लोग कभी नहीं मरते। उसका क्रूर चेहरा अपनी अनुयायियों और समाज पर कटाक्ष मार रहा है और चेतावनी दे रहा है कि मुझे मृत समझना मूर्खता है। अपनी धार्मिक कट्टरपंथी नीतियों से समाज पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए और उन नीतियों को न मानने पर अत्याचार करने के लिए वो बराबर जन्म लेता रहेगा। अब तो आप मुझे पहचान ही गए होंगे। जब तक मैं यानी सच्चाई का प्रतीक इस संसार में मौजूद हूं, युगो युगांतर तक बुराई का यही अंत होगा। बसंती और चंदन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रंगपुर गांव को भुवन पांडा के आतंक से मुक्ति मिल गई और पूरे गांव वालों ने बसंती को अवतार की तरह स्वीकार किया। बसंती और तितली को बेहतर जिंदगी देने के प्रयास में चंदन ने अपने प्राण तक की आहुति दे दी। इस घटना ने पोस्ट मास्टर नरेंद्र के वैश्यों के प्रति नफरत को बदलकर उन्हें प्रेरित किया कि वो बसंती के वर्तमान और तितली के भविष्य को बेहतर बनाने की पहल कर सकें। नरेंद्र ने अपना वादा निभाते हुए बसंती और तितली को लालबत्ती के उस अंधकार में जीवन से दूर ले जाकर आजादी, संपूर्णता और सम्मानीय भविष्य प्रदान किया। इस नए जीवन से बसंती ने अपने सारे सपने पूरे किए। तितली को पूरी शिक्षा मिली और उसकी अच्छे घर में शादी हुई। सारे देश में वैश्यों के उद्धार जैसे सामाजिक कार्य करके तितली को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। तो मेरे सदियों पुराने राहगीर, अब तो तुम जान ही गए होगे कि भारत के हर गांव में एक ऐसी जलती चिंगारी है जिसे अगर भड़का दिया जाए तो वह ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है और समाज के शोषण व दोहरेपन को अपने भीतर समा लेती है। पर अगर तुम लोगों को शिक्षण के हथियार से ज्ञान का पाठ पढ़ा सको तो उस सुलगती चिंगारी को आग और फिर उसे राख बनाने की बजाय एक रोशनी जलाने का काम दिया जा सकता है जो अंधेरे को दूर कर दे। बाजू बंद खुले खुले जावे।